उन साथियों को कुचलने का काम किया है, और मैं तो समझता हूँ इस घटना के बाद भी जिनका जमीर नहीं जागा वो साथी मैं समझता हूँ आज मर चुके हैं। किसान लागू को यूपी में एंटर होने के लिए अपना भेष बदलना पड़ रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? अगर आप लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाले हो, जिस लोकतंत्र और संविधान की आपने शपथ ली थी, तो क्या वो लोकतंत्र, क्या वो संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अपने देश में अपने लोगों को आने के लिए रोका जाए? मैं तो समझता हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या आप अब वीजा लगवाना शुरू करोगे? क्या देश में आप ये हालत करना चाहते हो? तो आप किस संविधान के, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? आपका लॉ एंड ऑर्डर और देश का लॉ एंड ऑर्डर क्या अलग अलग है? और कितना दुर्भाग्य है, आज देश के अन्नदाता जिसने 1966 में इस देश को भुखमरी से बचाने का काम किया था, जिसने कोरोना जैसी महामारी में इस देश को बचाने का काम किया था, जिसकी यूएनओ ने भी तारीफ की थी, उन अन्नदाताओं को आज कितना मवाली बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है। 25 सितंबर को जिस तरीके से मिश्रा जी ने ये कहा था कि आप मेरा इतिहास जान लीजिए, मेरा इतिहास क्या रहा है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इन किसानों को कुचलने में लिए। नथुराम गोडसे को मानने वाले प्रज्ञा ठाकुर का भी इतिहास जानते हैं हम, बलात्कारी चिन्मयानंद का भी इतिहास जानते हैं, लेकिन आप इस बात का इतिहास जान लीजिए कि ये सरदार भगत सिंह की संतानें हैं, ये सर छोटू राम की संतानें हैं। नमस्कार, जिंदाबाद चैनल नाल जुड़े हो तुसीं, मैं हरदीप शेरपुर तुहाडा स्वागत करदा, उम्मीद करदा तुसीं ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है अज्ज असीं बरनाला रैली दे विच पहुंचे हां, बरनाला रैली दे विच किसानां दा अखाड़ा आया होया, जिहड़े कह सकदे किसानां दा इकट्ठ है, इकट्ठा मारदा इकट्ठ हैगा, जिहड़ा शैड बनाया होया, शैड तों वी बाहर दा जिहड़ा इकट्ठा हैगा बाहर तक पहुंच चुका है, इन्ने ज़्यादा तादाद दे विच किसान पहुंचे हुए ने। साढ़े नाल इत्थे इक किसान आगू मौजूद ने, संयुक्त किसान मोर्चे तों हरियाणा तों किसान आगू वी मौजूद ने, आपां वी साडे नाल मौजूद ने, आपां गलबात करदे जिहड़ी पंजाब दी गतिविधि है, जां आपां कहिंदे जिहड़ी किसानां दी हरियाणे वाले दी गतिविधि है, उह की हैगी, कितें किस नज़रिए नाल देखदे ने? सब तों पहलां स्वागत करदे सर साडे चैनल जी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अब जैसे देखा जाए कि जैसे यूपी में जो घटना हुई है ना, यूपी घटना के बाद जो यूपी की बॉर्डर है सील कर दिए गए हैं, और जो किसान वीर है, किसान वीर लगातार अपने गुस्से को इजहार करते नजर आ रहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो समझता हूँ कि कितनी शांतिपूर्वक आपने वीडियो देखी, देश ने वीडियो देखी, कितनी शांतिपूर्वक किसान अपना कार्यक्रम करके जा रहे थे, और कितनी बर्बरतापूर्वक देश के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने कितनी बर्बरतापूर्वक उन किसान साथियों को कुचला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उन 4 किसानों को कुचलने का काम नहीं किया, बल्कि देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, जो देश के संविधान में विश्वास करते हैं, जो आर्टिकल 19(1)(b) जो हमें स्वतंत्रता पूर्वक धरना विरोध और प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है, उन साथियों को कुचलने का काम किया है। और मैं तो समझता हूँ इस घटना के बाद भी जिनका जमीर नहीं जागा वो साथी मैं समझता हूँ आज मर चुके हैं। देखा जाए तो जैसे जो चुरुनी साहब है, किसान मजदूर एकता के मूरी आगू है, चुरुनी साहब जब जाते हैं गुरनाम से चुरुनी, जब उस पर जाते हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाता वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो फेस बदल कर वहाँ पे जाते हैं, आपको क्या लगता है? जब एक किसान आगू को यूपी में एंटर होने के लिए अपना भेष बदलना पड़ रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? देखिए, कितना दुर्भाग्य है कि अपने देश में अपने लोगों के बीच जाने के लिए किस तरीके से इलीगल डिटेंशन किया था, 18-18 घंटा हमारे नेताओं का नहीं पता था किस स्थिति में है, उनके फोन स्नैच कर लिए गए थे, और कितना बुरी तरीके से उनको, उनसे बेइज्जती किया था, बेसलूकी की गई थी, तो बड़ा दुर्भाग्य है। योगी गवर्नमेंट को किस बात का डर है? मैं तुम्हें आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हो, आप संविधान में विश्वास करने वाले लोग हो, अगर आप लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाले हो, जिस लोकतंत्र और संविधान की आपने शपथ ली थी, तो क्या वो लोकतंत्र, क्या वो संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अपने देश में अपने लोगों को आने के लिए रोका जाए? मैं तो समझता हूँ कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या आप अब वीजा लगवाना शुरू करोगे? क्या देश में आप ये हालत करना चाहते हो? तो मेरा तो सीधा सवाल इस बीजेपी गवर्नमेंट से इस बात का है। देखा जाए तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से योजना किया गया, उसके बाद जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो भी वहां पे पहुंचना पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं का ना कहीं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जाना चाहा, लेकिन उनको भी एंटर नहीं होने दिया गया, और भी कई मोरी सियासी आगू थे जो वहां पे जाना चाहते, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया वहां पे। आपको क्या लगता है, जब एक सियासी आगू को जिसकी इतनी बड़ी पहुँच हो, इतना बड़ा अहदा हो, उन्हें वहाँ पर नहीं एंटर होने दिया जा रहा, तो आम जनता को जाना चाहिए वहाँ पर, आम जनता को वहाँ पर जाकर विरोध करना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे सियासी आगू जाए या हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के आगू जाएं, हर किसी को अधिकार है, आपको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, किसी को भी रोकना ये किसका अधिकार है?
क्या सरकार के क्या योगी गवर्नमेंट हमें एक नोटिफिकेशन ये दे दे कि हमारा अधिकार है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। धारा 144 की बात कर रहे हैं वो लोग, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। हमारे बहुत से आगू ऐसे थे जो या तो खुद थे या उनका एक पीए था या एक ड्राइवर था, 2 लोग या 3 लोग। आपने देखा कि देश के जो बड़े बड़े जो लीडर थे वो एक दल बल के साथ नहीं चले थे, निश्चित तौर पर एक गाड़ियों में या एक अपना कोई साथ लेकर चले थे, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो आप किस संविधान के, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? आपका लॉ एंड ऑर्डर और देश का लॉ एंड ऑर्डर क्या अलग अलग है? आपको क्या लगता है जब जब ऐसे जो यूपी बॉर्डर की सीलें बंद कर दिए गए हैं, जो जो सभी इस तरफ का रास्ता है वो बंद कर दिया गया, तो जो यूपी सरकार है बौखलाई हुई है, किसानों से डर चुकी है, अब ये समझ सकते हैं हम? लेकिन निश्चित तौर पर ये आंदोलन ही है जो इस बीजेपी को हराने का काम करेगा, इस बीजेपी को गद्दी से हटाने का काम करेगा, और कोई ताकत इस देश में नहीं बची। आज यह आंदोलन सिर्फ किसान कृषि खेत को बचाने का आंदोलन नहीं है, आने वाली नस्ल और फसलों को तय करेगा, जो देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। देखा जाए तो आप जैसे अब नौजवान ब्लड है ना, नौजवान यूथ में आ जाते हैं, आप मोरी आगू बन के किसान एकता का साथ दे रहे हैं, किसान के जो काले बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ नेता ऐसे हैं जो इस जो काले बिल है उसका समर्थन दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से, लेकिन किसानों का भी उसका उनका किसानों का भी विरोध कर रहे हैं, जो जो किसानों धरने दे रहे हैं वो आतंकवादी कहकर उसको बरखलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो दिल्ली सदर पर बैठे हैं, जो किसान दिल्ली में 1 साल से लगातार धरना दे रहे हैं, वो आतंकवादी हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, आज देश के अन्नदाता जो 80 करोड़ लोगों का परिवार है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कुछ 10-10 हज़ार जो लोग अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हमारे लोग, वो सिर्फ वो पूरा जो किसान बिरादरी है, पूरा मजदूर बिरादरी है, पूरा कमेरा बिरादरी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पर चंद किसान नहीं, 80 करोड़ लोगों का परिवार वहाँ पर बैठा है, और कितना दुर्भाग्य है, आज देश के अन्नदाता जिसने 1966 में इस देश को भुखमरी से बचाने का काम किया था, जिसने कोरोना जैसी महामारी में इस देश को बचाने का काम किया था, जिसकी यूएनओ ने भी तारीफ की थी, उन अन्नदाताओं को आज कितना मवाली बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता। एक गोदीमी ने ऐसा भी कहा था कि जो यूपी में घटना हुई है, जो किसान वीरों की हत्या की गई है, उसमें भी कुछ आतंकवादी मौजूद थे। आपको लगता है जो उसमें घटना हुई है वहां पे आतंकवादी थे? तो फिर अभी आतंकवादी कौन थे? आपके पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यपाल आपके, मुख्यमंत्री अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, उपराष्ट्रपति आपके, आप जांच करवाइए कौन आतंकवादी है, वो निकालिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं 25 सितंबर को जिस तरीके से मिश्रा जी ने यह कहा था कि आप मेरा इतिहास जान लीजिए, मेरा इतिहास क्या रहा है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इन किसानों को कुचलने में लिए, हम तो उनको ये इस पंचायत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मिश्रा जी, हम आपका भी इतिहास जानते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 2002 में गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए थे उस बात का इतिहास जानते हैं, हम आपके विधायक कुलदीप सेंगर का भी इतिहास जानते हैं, नाथुराम गोडसे को मानने वाले प्रज्ञा ठाकुर का भी इतिहास जानते हैं, हम बलात्कारी चिन्मयानंद का भी इतिहास जानते हैं, लेकिन आप इस बात का इतिहास जान लीजिए कि ये सरदार भगत सिंह की संतानें हैं, ये सर छोटू राम की संतानें हैं, और इस बात का भी इतिहास जान लीजिए कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो किसानों और मजदूरों के माध्यम से हुई हैं, और ये आंदोलन एक क्रांति का रूप लेगा। देखा जाए तो जैसे कहा जाता है कि अगर पंजाब में कोई भी क्रांति शुरू होती है तो वो पंजाब से शुरू होती है, पंजाब के पहले जो स्टार्टिंग से सदा ढाया जाता है, मतलब माँ वाला जो सलूक होता है वो अक्सर किया जाता है। आपको क्या लगता है, अब इलेक्शन आने वाली है पंजाब में, इलेक्शन के समय जो जो काले भ्रूण जब तक रद्द नहीं हो गए तो इलेक्शन करना कितना का मुश्किल लगेगा जो सियासी पार्टियों को? देखिए, निश्चित तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ तौर पर यह कह रखा है कि पंजाब की राजनीति के लिए बीजेपी का बॉयकॉट करना, बीजेपी का बहिष्कार करना है, और बाकी पार्टियों से क्वेश्चन करना है। तो आप तमाम पंजाब के साथियों से, किसान साथियों से मेरा तो अनुरोध ये है कि आप क्वेश्चन कीजिए, लोकतंत्र में क्वेश्चन करने की अपनी एक आज़ादी होती है, प्रश्न करने का अपना एक अधिकार होता है, और आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक पार्टी हमारे हित के लिए है, उस राजनीतिक पार्टी का आप चुनाव कीजिए और बीजेपी का बहिष्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे संयुक्त किसान के हरियाणा के जो आगू थे उनसे अपनी मुलाकात कराने का यही मकसद था कि दिखाया जाए कोई नौजवान ब्लड है, नौजवान ब्लड भी किसानी संघर्ष का पूरा समर्थन दे रहा है, लेकिन देखा जाए तो पंजाब में लगातार धरने जा रही हैं। आज भी देखा जाए तो बरनाला शहर में रैली की जा रही है, सिद्धूपुर की तरफ से रैली की जा रही है कि जिसमें कट जो है कट के आपके पास शॉर्ट्स भी चल रहे होंगे, बड़ा विचित्र बोल रहे हैं हम, बड़ा अनुभूत इकट्ठ बोल रहे हैं हम, बड़ा ज़्यादा इकट्ठ जाए जहाँ पे। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये रैली है, रैली लगातार चल रही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हम इस तरह की और जो रैली है और जो पंजाब के
किसानों की आवाज़ है, समय समय से हम आपके सामने लेके आते रहे। तब तक के लिए जुड़े रहे जिंदाबाद चैनल के साथ। मुझे हरदीप शेरपुर को दो इजाजत, धन्यवाद।